नमस्कार, आप देख रहे हैं के क्या न्यूज, मैं अनुज पाल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव एवं जिला कांग्रेस शहर भोपाल अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक फसल का SSP निर्धारित किए जाने एवं उपार्जन केंद्रों पर 2700 रुपए क्विंटल दर से क्रय किए जाने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर भोपाल को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी हाय 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 हाय। भारतीय जनता पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों से किए वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। किसानों से किए वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। महिलाओं से किए वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करने होंगे, करने होंगे। रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। ₹2500 देना होगा, देना होगा, देना होगा। ₹2700 देने होंगे, देने होंगे। शर्म करो, शर्म करो। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। अच्छा बेटी बना बेटी, ये उसको उसको पकड़ करो, पकड़ो और पीछे करा लो, महिलाओं को देने की बात की गई थी जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा नहीं किया गया। 450 रुपये सिलेंडर देने की बात की गई थी, प्रत्येक घर हर घर रोजगार देने की बात की गई थी और 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई थी, युवाओं को। ये सारे प्रलोभन जो है भारतीय जनता पार्टी के इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव में रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जिस दिन वो प्रदेश अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने इस बात का प्रण लिया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए हैं वो पूरे, भारतीय जनता पार्टी जनता के वादे पूरे नहीं करती, तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनकी हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगा। आज का जो ये प्रदर्शन है और जो ज्ञापन हम दे रहे हैं, ये जो किसानों के 2700 रुपये गेहूँ की जो हमारी मांग है उसको पूरा करने के लिए हम दे रहे हैं। सर, बीच में नया नारा दिया है कि मोदी की मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो मोदी गारंटी है। देखिए, जब से मैं समझता हूँ कि जो भी समझदार व्यक्ति है वो समझता है कि 2000 जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 तक, उस सरकार में आप पेट्रोल के रेट देख लीजिए, महंगाई की दर देख लीजिए, उस समय जिस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया गया वो देख लीजिए। आज की स्थिति में इस देश को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इस देश की स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या मांगे, किस बात को लेके आप ज्ञापन देने जा रहे हैं? प्रवीण
आज जो आज कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किसानों को प्रलोभन दिया था, 2700 रुपये कुंटल गेहूँ उपार्जन केंद्रों पर समितियों को मार्फत क्रय किए गए, 3100 रुपये कुंटल धान को क्रय किए गए, 3000 रुपये महिलाओं को मानदेय दिए गए। बात यह है कि हमारे से जो तुमने घोषणा किया है आपने उसको पूरा करो। 2700 रुपये कुंटल की बात आज हम कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, और ये आंदोलन भोपाल का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में हर उपार्जन केंद्र पर 2700 रुपये कुंटल की मांग होगी। हमारे अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का खुला निर्देश है कि हर उपार्जन केंद्र पर जाइए आप लोग और 2700 रुपये कुंटल की मांग कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमसे जो बोला, जनता से बोला था, उसको पूरा करो, बस इस बिंदु पे है। और 2013 में भू अर्जन कानून जो था, राहुल जी लेके आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे, तो कलेक्टर रेट तक किसानों को 4 गुना मुआवजा मिल रहा था, उसको घटा के 2 गुना किया। तो हमारा कहना 2013 का भू अर्जन कानून भी लागू करो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वाला भू अर्जन कानून वो लागू होगा, किसानों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो चुनाव से पहले कई घोषणाएं की थी भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ को पूरा किया और कुछ को आज भी पूरा नहीं कर पाए, तो क्या लगता है कि ये चुनावी वादे ही रहते हैं सर? भाई जो घोषणा करो उसको पूरा तो करो। कमलनाथ जी ने बोला था कि 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ, पहले चरण में हमने 50,000 किया, फिर दूसरे चरण में 1 लाख किया, और 3 महीने बाद तीसरा चरण था 2 लाख तक का करने का। हर गांव में, हर गांव के आप ऐप से देख लीजिए, 50 से 100 लोगों के माफ़ हुए, और 2 लाख तक जब होने वाला था टांग पकड़ के हमारी सरकार को गिरा दिया गया। डिफाल्टर जितने थे उनके 2 लाख तक का पहले उसमें माफ़ कर दिया। भाई जो करा, आज उपार्जन केंद्र शुरू होने वाले हैं 10 रोज बाद, तो हमारा ये कहना है कि आप 2700 रुपये कुंटल ले लो, हमारा कोई भी वादा आपसे नहीं। आपने जो झूठ बोला या सही बोला, ये संघर्ष की बात है। ये यहाँ कलेक्ट्रेट में नहीं, हर भोपाल जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे माननीय जीतू पटवारी जी पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे और हर उपार्जन केंद्र पर हम करेंगे। सर, ओले में नष्ट हुई फसलों को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, कहीं ना कहीं नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी नियंत्रण किसानों के हक में सोच रही है? 3 साल पहले जो नष्ट हुआ था आज उसका मुआवजा नहीं आया। मुआवजा तो वो होता है जो तत्कालिक दे दिया जाता है, भाई इंश्योरेंस हमारा जाता है, किसानों का जाता है, एक एक किसान का 4-4, 5-5 हज़ार इंश्योरेंस का कटता है, तो हमारा तत्काल मुआवजा दे। अब हम 3 साल पुराना मुआवजा नहीं ले पा रहे हैं, आपका जो ओले में नष्ट हुआ है उसका कब देंगे भगवान जाने। और मुआवजा को ये खैरात नहीं देते, उसका हम इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, हर किसान का क्रेडिट कार्ड से कटता है पैसा, वो तो तत्काल दिलवा दो। सर, यह कहना है कि जो सरकार चल रही है, सरकार जो है ये युवाओं की सरकार है, सरकार महिलाओं की सरकार है, ये सरकार जो है गाँव किसान सरकार है, किसान सरकार किसानों की सरकार है, फिर क्या विडम्बना सर की है, किसान परेशान है? आइए, ये भू माफियाओं की सरकार ना किसानों की है ना युवाओं की। मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, किसी का मकान तोड़ दो, किसी के ज़मीन पे कब्जा कर लो, कायदे कानून को एक तरफ रखो। मकान तो अपराधियों के ही तोड़े गए हैं, जब जितने भी तोड़े गए, कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। मेरा ये कहना अपराधियों को तोड़ो, एक अपराधियों के तोड़ो अच्छी बात है, लेकिन साथ में घुन के साथ गेहूं तो मत पीसो, घुन के साथ गेहूं तो मत पीसो। और हिंदुस्तान का जो कानून बना वो सब बेकार हो चुका है, हिंदुस्तान का कानून बेकार, या तो लिख दो आईपीसी पूरी खत्म करते हैं, कानून हम अपने हाथ में ले। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ये सारी चीज़ें यदि अगर निकल के सामने आती हैं तो परिणाम किस तरीके से देखने को मिलेंगे? भाई हम विधानसभा भी नहीं हारे, मास्टर ईवीएम की कारस्तानी है। सर, ईवीएम तो कांग्रेस पार्टी 2004 में लेके आई थी, हमने तो ईमानदारी से किया, लेकिन हम इतने तेज नहीं थे कि हम इज़राइल से सेटिंग कर दें। हम ईवीएम पे निशानी या सवाल उठाते हैं, बार बार ईवीएम की ही बात आती है, तो ईवीएम कांग्रेस पार्टी 2004 में मनमोहन सरकार में लेके आई है। मनमोहन सिंह सरकार में लेके आए थे, लेकिन उस सरकार में, उस पीरियड में
ईवीएम का कहीं ऐसा तो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था, वोट डाल रहे हैं उसमें सेब पे, डल रहे हैं तरबूज पे। भाई अभी एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है राजा साहब के बंगले पे, अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरे वकील खड़े हैं ईवीएम के मामलों को लेके। ईवीएम पे हमेशा क्वेश्चन उठा है, मेरा ये कहना है जिस चीज़ पे शक हो जाए, जिस चीज़ पे शक हो जाए उसको आप चालू बंद कर दो आप ईवीएम। भाई इतना तो इच्छा, अगर कांग्रेस सरकार के समय ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क उठा होता तो ईवीएम तत्काल बंद कर देते। आज सर कुछ इसमें हाहाकार मचा हुआ है, सब सब आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद सरकार आत्मादी सुन रही। भाई सरकार सुनेगी कैसे ईवीएम से, और बहुत से तरीकों से बंद के बैठ गए, और ये ताना शाहों की जो सरकार है ये कभी नहीं सुनेगी। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, यदि ईवीएम की ही गलती मानते हैं तो फिर हार का ठीकरा कमलनाथ जी के सर पे क्यों रख दिया गया था, क्यों उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? कमलनाथ जी ने खुद बोला, और कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठ हैं, आज वरिष्ठता की ये हालत है कि शायद नरेंद्र मोदी भी उनके बराबर वरिष्ठ नहीं है। कमलनाथ जी हमारे सम्माननीय हैं और बहुत इज्जत है सबकी निगाह में कमलनाथ जी के प्रति। आज CBI, ED, पुलिस काम क्या कर रही है, काम क्या कर रही है, ये एजेंसियाँ काम क्या कर रही है देखो आप। ये एजेंसियाँ हैं कि अगर ये बोलेंगे वो बोलेंगे, सबसे पहले उनके घर पे खड़े होकर छापा डालेंगे, उनको परेशान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल से, देखते रहिए के क्या न्यूज़। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।